नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, लगातार भर्ती आ रही, अब भर्ती की बौछार सी उमड़ पड़ी है। एनपीसीएल में भर्ती आया, आईओसीएल में आया, अब नेवी ट्रेडमेट में भर्ती आ चुकी है। इंडियन नेवी में भर्ती निकाली गई है और ये 3-4 दिनों से लगातार कहीं ना कहीं भर्ती निकाली जा रही है। आने वाले दिनों में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। अगर अभी भी अगर आप घर बैठे हुए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, बैठ के आराम फरमा रहे हैं, तो फिर बाबू आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। ये बेहद ही अच्छी नौकरी होती है और आसानी से नौकरी मिल भी जाता है। मेरा कम से कम अनुभव रहा होगा 2018 से इंडियन नेवी मतलब ट्रेडमेट की जो भर्ती निकाली जाती है उसमें हमारे बच्चे बहुत सेलेक्ट होते रहते हैं। अगर आपको भी तैयारी करना है तो नया बैच इसके लिए हम अनाउंसमेंट कर दिए हैं। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको आना है आर्मी वाला सेक्शन में, जैसे रेलवे है, बिजली विभाग है, मास्टर कोर्स है, पीएसओ, उसी तरह से एक आर्मी का सेक्शन दिखाई देगा। आर्मी में जाइएगा तो आपको नेवी, इंडियन नेवी का कोर्स मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या आपको मिलने वाला, आइए समझा देते हैं। ये रहा कोर्स जो आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, इसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं। डेली क्लास चलाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट सब आपको हम देने वाले हैं। इस बार हम ढंग से और बढ़िया से तैयारी कराएंगे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड है इंडियन नेवी के लिए, आप इस कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। एक चीज और है, कॉमन सिलेबस है, चाहे आप आईटीआई किए हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे 10th पास हो, चाहे जो भी इसमें भर्ती निकाली गई है, सबके लिए ही कॉमन सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोर्स की जो प्राइस है कम किया हुआ है, आगे जाके बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। 1000 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए जिनको पहले ज्वाइन करना है तो आप कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस का दिन ब दिन डिमांड बढ़ता जा रहा है। जैसे एनपीसीएल में भी जनरल अवेयरनेस पूछा था, आप नोटिफिकेशन देखे होंगे एनपीसीएल का, इसमें भी 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस था। आईओसीएल में भी 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस था। अब इंडियन नेवी में आप देखिएगा, नेवी में हम बात करें तो नेवी में यहां पे 25 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछ दिया, 25 नंबर का मतलब जनरल अवेयरनेस हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर आप इसके लिए सीरियस नहीं होंगे तो आपसे नहीं होने वाला एग्जाम में। और जनरल अवेयरनेस में पता है आपको, जनरल साइंस भी आता है, जनरल नॉलेज भी आता है, स्टडीज जीके भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, तमाम चीजें सब जनरल नॉलेज में आता है। यहां की कंप्यूटर भी जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि एक फैकल्टी की पूरी टीम, हम लोग एक कंपनी है उससे टाई अप करके हम लोग सारा चीज बनवा रहे हैं। करंट अफेयर मैगजीन हर महीने आता है, 61 रुपया में आपको 12 मैगजीन मिलेगा, हर महीने एक मैगजीन आपको मिलेगा। करंट अफेयर बूस्टर है जो 32 रुपए का है और इसमें आपको हर महीने जो स्टैटिक जी के होता है ना वो मिलेगा आपको। इसमें आपको करंट अफेयर समझ रहे हैं कि जो भी घटनाक्रम हुआ है महीने का वो मिल जाएगा। इसमें आपको स्टैटिक्स जीके के बारे में जानकारी मिलेगा और ये मॉक टेस्ट बुकलेट है जिसमें 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, 250 प्रश्न रहेंगे और ये आपके करंट अफेयर से रहेगा, करेंट जनरल अवेयरनेस से रहेगा। ये इसका प्राइस 51 रुपया है। ये तीनों कंबाइन करके लेना चाहेंगे तो आपको ये मास्टर करंट अफेयर ज्वाइन कर लीजिएगा, मात्र 111 रुपए का है और 12 महीने के लिए आपको ये तीनों मिल जाएगा। साथ ही साथ डेली क्विज और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। डेली क्विज मॉक टेस्ट में क्या है, आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के असाइनमेंट मिलेगा 10-10 क्वेश्चन का, उसका विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपका डेली करंट अफेयर, डेली जनरल स्टडीज, डेली करंट जनरल नॉलेज आपको मिल जाएगा क्विज करने के लिए। ये तमाम चीजें इसके अंदर में है। 111 रुपया में 12 महीने के लिए हो जाएगा, 12 तरह के कोर्सेस आपको मिलेगा, ये तमाम चीजें आपको मिल जाएगा एक साथ में, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़े, इसका फॉर्म भरना होगा, नेवी ट्रेडमेट का फॉर्म भरना होगा। तो बहुत सारे गलती आप लोग कर रहे थे, गलती नहीं करना है। अगर हमारे जो मैनेजमेंट सिस्टम है उससे थ्रू भरवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके व्हाट्सएप पे अपना डिटेल्स भेज दीजिएगा और फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आप रख लीजिए, कोई भी फॉर्म आता है आप इस पर भरवा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं आपकी कहानी, जो भर्ती निकाली गई है। देखिए, ये भर्ती निकाली गई है इंडियन नेवी की तरफ से, ठीक है ना। और ये इंडियन नेवी की तरफ से हर बार मतलब हर साल भर्ती निकलता है। यहां पर देखिए, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट NINCET 2024, ठीक है ना। मतलब हर साल प्रति वर्ष ये भर्ती निकाली जाती है।
इसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्वालिफिकेशन के भर्तियां होती है, एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आईटीआई के बच्चे हैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई मेरे वाले के बारे में बता दीजिए। देखिए आईटीआई वालों के लिए ट्रेडमैन या ट्रेडमैन मेट करके आता है, ठीक है ना। और इसमें जो भर्ती होता है वो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की भर्ती होती है, ग्रुप सी की भर्ती होती है, ठीक है ना। ग्रुप डी नहीं है बाबू, ग्रुप सी है, ध्यान रखिएगा। सैलरी अच्छा मिलेगा इसमें, और ये नॉन गैजेटेड इंडस्ट्रियल होता है, ठीक है ना। पे बॉन्ड जो आपका होता है, जो सैलरी होता है 18,000 से लेकर 56,900 होता है, मतलब कुल मिलाकर आपको 40,000 के आसपास यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलने वाला है, ठीक है ना। ये पे स्केल के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। और होगा क्या इसमें कि बहुत सारे पीए टीए डीए वगैरह जोड़ा जाता है, बहुत सारे अलाउंसेस भी जोड़कर आपको इतना सैलरी लगभग मिल जाएगा, ठीक है। अब हम भर्ती की बात करें तो यहां पर देखिए कमांड वाइज भर्ती है। वेस्टर्न नेवल कमांड में टोटल जो 135 सीट है यहां पे, ठीक है। उसी तरह ईस्टर्न नेवल कमांड की हम बात करें तो यहां पे 15 सीट है, और साउथर्न नेवल कमांड की बात करें तो यहां पे 11 सीट है। टोटल की बात करें तो 161 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। आईटीआई वाले छात्र देखिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेड की हम बात करें तो बहुत सारे 44 ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोपा वाले जो बच्चे रहते हैं उदास रहते हैं, सर हमारे लिए नहीं होता है, आपके लिए भी है इस बार, ठीक है। तो शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं किस तरह की भर्ती है। चार्जमैन एनुमेशन के लिए वर्कशॉप में आपको इसके लिए एक पद निकाला गया है, ठीक है। इसमें डिप्लोमा जो केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से चार्जमैन फैक्ट्री के लिए 10 पद निकाला गया है, और इसमें जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, कंप्यूटर से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एज की बात करें 18 से 25 साल इसमें एज मांगा गया है आपसे, ठीक है। चार्जमैन मैकेनिक्स की बात करें 18 सीट है, और साइंटिफिक एसोसिएशन पर 4 सीट है। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया है डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल प्रोडक्शन होना चाहिए, और नीचे वाला जो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने अगर बीएससी किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो डिप्लोमा वाला के लिए बात हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े हम तो यहां आता है ये जो था ना ग्रुप बी का भर्ती था, ठीक ना, ग्रुप बी था। अब ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप सी में आप देख लीजिए यहां पे ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 2 सीट है, एज 18 से 25 साल है, क्वालिफिकेशन दिया है 10वीं पास होना चाहिए, और आईटी आपका ड्राफ्टमैन ड्राफ्टमैनशिप से होना चाहिए, ठीक है। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन यहां पर 44 सीट है, 18 से 27 साल एज दिया हुआ है फायरमैन, और फायरमैन इंजन ड्राइवर के लिए, ठीक है। 58 सीट इसमें ड्राइवर वाला में, इसमें 12th पास होना चाहिए और एलिमेंट्री बेसिक ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और फायर इंजन और ड्राइवर वाला में 12th पास होना चाहिए, और हैवी मोटर का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई करेंगे। उसी तरह से ट्रेडमेट की बात करें तो ट्रेडमेट में 161 सीट है, और इसमें एज 18 से 25 साल है, जो आपको मैं बता चुका हूं। इसमें 10th पास प्लस आईटी होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से, ट्रेड के बारे में जिक्र हम लास्ट में करने वाले हैं। पेस्टल कंट्रोल वर्कर के लिए 18 सीट है, कुक के लिए 9 सीट है, और एमटीएस मिनिस्ट्रियल के लिए यहां पर 16 सीट दिया गया है। एमटीएस मिनिस्ट्रियल में भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास प्लस आईटीआई मांगा गया है यहां भी, ठीक है। तो ये रहा सीटों की संख्या, एज, और आपका कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा गया वो आपका डिटेल्स यहां पर पता चल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे दिया गया है एज में छूट, ठीक है ना। एज की बात करें तो एज समझ गए कि भाई जो ये ट्रेडमेट वाले हैं आपका 18 से 25 साल एज दिया गया है ट्रेडमेट पेस्टल वर्कर कुक और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ठीक है। ऊपर की बात करें तो चार्जमैन एनुमेशन फैक्ट्री और मैकेनिक्स ये सब लोग को बोला है साइंटिफिक असिस्टेंट के 30 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और चार्जमैन के लिए, ये दो को ऊपर वाला के लिए 18 से 25 साल बोला है, ठीक है। बाकी यहां पर एज आप देख सकते हैं, ठीक है। एज के बारे में भी क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़े, अब एज में छूट मिलता है, पता ही आपको, एससी एसटी का 5 साल, ओबीसी को 3 साल मिलता है, हैंडीकैप को 10 साल मिलता है, ठीक है ना। ईएसएम यहां पे दिया हुआ है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर आपका ईएसएम जब एक सर्विस में उनके लिए यहां पर दिया गया है, ठीक है, एज में छूट। अब यहां पे सिलेक्शन कैसे होगा भाई, तो सिलेक्शन के लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस की बात करें मतलब रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स का होगा, जिसके बारे में हम जिक्र किए थे स्टार्टिंग में। क्वांटिटी वर्टिट्यूड मतलब मैथ 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का,
का, टोटल की बात करें तो टोटल 100 नंबर का ये एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा, जो बच्चा नंबर अच्छा लगेगा उसका मिनट में नाम रहेगा और उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। वन वे सिलेक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्रेड की बात करें तो देखिए यहाँ पे आईटीआई कौन कौन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो सीरियल नंबर 1 से लेकर देखिए यहाँ पे 44 तक दिया हुआ, ठीक है। नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जाकर वहां देख लीजिएगा। अब जो मुख्य रूप से ट्रेड है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ट्रेड का नाम कारपेंटर है, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट है, आरएससी वाले हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग वाले हैं, कोपा वाले हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग वाले हैं, कटिंग सीविंग वाले हैं, डोमेस्टिक पेंटर वाले हैं, सिविल वाले हैं, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रोपरेटर, फिटर, फाउंड्री मैन, इंडस्ट्रियल पेंटर, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इधर आइएगा तो तमाम यहां से देखते हैं, मशीनिस्ट भी है आपका, मरीन फिटर भी है, मैकेनिक डीजल भी है, मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक भी है, मेटल कटिंग अटेंडेंट भी है, प्लम्बर भी है, पेंटर भी है, सारे लगभग लगभग सभी जगह ये 44 ट्रेड लगभग सभी ट्रेड में भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना, सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना सारा भर्ती दिया गया है। और कोपा वाले बच्चे खासकर आप लोग तो बोलते रहे तो भर्ती आता ही नहीं है, आता है तो अप्लाई नहीं करते। देखो दिसंबर में भी भर्ती आया था 2023 में, दिसंबर के आसपास आया था, 24 में दे ही दिया, फिर भर्ती आएगा आगे जाकर। तो नेवी में हमेशा भर्ती आता रहता है, बस तैयारी आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहां देखिए तो भाई फॉर्म का डेट है कि 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट है 2 अगस्त इसका लास्ट डेट है। फॉर्म भर लीजिएगा, भरने के लिए आपको नंबर भी दे दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, उस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसे फॉर्म स्टार्ट होगा इसके बारे में और भी हम वीडियो लेकर आएंगे, 2-4 वीडियो तो और आएगा ही आएगा, इस पे बहुत सारा चीज है जो बताना, अभी तो शॉर्ट में आपको बताए हैं क्योंकि इसमें इतना सारा चीज दिया हुआ कि सब चीज एक वीडियो में नहीं पॉसिबल है। अब आपको कमेंट करना है कि भाई क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नॉलेज इसमें चाहिए, जो कंफ्यूजन है कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी मन है कि तैयारी करेंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सब जगह काम आएगा। और ज्वाइन नहीं करेंगे तो आगे जाकर प्राइस हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि ये सबसे कम प्राइस करके आपको दिया गया, इसमें बहुत सारी चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच।